तो फाइनली ऑनर 8X की आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और आप सामने देख सकते हैं पैकेजिंग। तो इसका क्विक ओवरव्यू और एक मेरा ओपिनियन आपको दिया जाएगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली ऑनर 8X कैसा है और प्राइसिंग क्या है। तो इनसाइड द बॉक्स यहाँ आपको एक सिम इजेक्टर टूल दिख जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको एक TPU केस जो कि प्रोटेक्टिव केस है आपके फ़ोन के लिए, तो आपको साथ में मिल जाता है, एक अच्छी बात है ऑनर की तरफ से। तो एक अच्छी क्वालिटी का यहाँ ट्रांसपेरेंट TPU केस दिख जाता है आपको। अगर मैं यहाँ बात करें, यहाँ आपको आपको कुछ यहाँ पे यूज़र मैनुअल्स और कुछ इन्फॉर्मेशन जिसे आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक अडैप्टर, पावर अडैप्टर दिख जाता है जो कि यहाँ एक नॉर्मल अडैप्टर है 5V 2A का। कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। एक नॉर्मल सा यहाँ पर आपको USB चार्जिंग केबल दिख जाता है। यहाँ पर टाइप सी होता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन यहाँ पर ऑनर ने ऐसा कुछ नहीं दिया है। अगर हम यहाँ पे फ़ोन के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छा है। रेड कलर वन ऑफ द बेस्ट कलर अवेलेबल है इसमें, और यहाँ पे थोड़ा फिंगरप्रिंट स्मजेस भी आपको देखने को मिल जाता है पीछे। अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले आपको मिल जाता है, प्लस यहाँ पर आपको कैमरा, 16 MP का फ्रंट और नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर और 3.5mm जैक देखने को यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छा रखा है कि 3.5mm जैक को यहाँ पर रिमूव नहीं किया है और अभी भी यहाँ पर यह अवेलेबल है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ईयरफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड में आपको यहाँ पर सिम स्लॉट दिख जाता है जहाँ पर आप अपना हाइब्रिड ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे दो सिम प्लस microSD कार्ड साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्सपांशन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर हम ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको दिख जाता है सेकेंडरी नॉइज़ कैंसिलेशन माइक, जो कि ठीक है। यहाँ पर IR अगर ब्लास्टर होता तो और भी बेटर होता, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ अगर हम साइड में बात करें तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर कीज और पावर बटन देखने को मिलता है। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छे से इसे डिज़ाइन किया गया। रेड कलर बहुत ही अच्छा लगता है। पीछे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, 20+2 MP का यहाँ पे कैमरा, ऑनर की ब्रांडिंग भी पीछे की गई है और AI कैमरा का भी यहाँ पे ब्रांडिंग आपको दिखाया गया है। जब तक हमारा मोबाइल यहाँ पर बूट हो रहा है तब तक हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस का। यहाँ पे 4GB 64GB वेरिएंट वाला हमारा ये डिवाइस है। Kirin 710 यहाँ पर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है जो कि मेरी तरफ से बहुत अच्छा है। डुअल 4G VoLTE यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। डिस्प्ले 6.5 इंचेस, फुल HD प्लस और बहुत ही बड़ा है डिस्प्ले, नो डाउट। अमेजिंगली चिन यहाँ पर बहुत ही कम रखा गया है और यहाँ पर नॉच भी आपको देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन लाइट को भी यहाँ पर उन्होंने नहीं भूला है, नोटिफिकेशन लाइट भी इस फोन में रखा गया है। तो यहाँ पर मैंने अपने डिवाइस को सेटअप कर लिया है और सेटअप करने के बाद यहाँ पे सारे एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे अबाउट फोन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको 1 सितंबर का यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पैच दिख जाता है और स्टोरेज में आपको 54GB यहाँ पर अवेलेबल मिलता है फर्स्ट बूट पे। जी हाँ, फर्स्ट बूट जब आप करते हैं तो 54GB आपको यहाँ पर रोम इंटरनल स्टोरेज अवेलेबल मिलता है। तो मेरे हिसाब से बहुत इनफ स्पेस है और रैम का मैनेजमेंट भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा और बेहतर किया गया है EMUI की तरफ से। यहाँ पर अगर हम कुछ कैमरा और सैंपल्स की बात करें तो यहाँ पर इमेजेस आप देख सकते हैं। यहाँ पर पोर्ट्रेट और रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों से ही लिया गया है, तो आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं। फुल रिव्यू आपको इसका बाद में मिलेगा, इसका फुल एंड फाइनल रिव्यू, मेरा ओपिनियन इसमें एग्जैक्टली आपको फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से अभी तक जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ये प्राइस पॉइंट को ये फ़ोन जस्टिफाई कर रहा है और एक बहुत ही बेहतर फ़ोन है इस प्राइस सेगमेंट पे। इनफैक्ट बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आया और रेड कलर वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल है एट द मोमेंट। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी जो भी मैंने आपको दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहे गैजेट ट्रिक के साथ। और बोलते रहें जय हिंद, वंदे मातरम।